welcome to sushmita's maths class here maths is made so easy and simple that you will all start loving it now we will study about altitude an altitude of a triangle is the line segment drawn from the vertex perpendicular to the opposite side of the vertex an altitude of a triangle is the line segment drawn from the vertex Perpendicular to the opposite side of the vertex. A triangle has three altitudes. Now, here we talked about median. Since this is an isosceles triangle, the median on the base is also the altitude. This median is also the altitude because this is an isosceles triangle and these two sides are equal and this is the base. From the base, the median makes a 90 degree angle now the altitude is the height of the triangle see this is an obtuse triangle a b c the obtuse angle is at c now the sides are a b B C and C A. The three altitudes are from A B, the altitude is S C, from A C, the altitude is B X, and from बी सी द ऑल्टीट्यूड इज़ एम ये ऑबट्यूज़ एंगल ट्राइंगल जो होता है उसका ऑल्टीट्यूड बाहर होता है ट्राइंगल से बाहर ये जो ए सी साइड है इसको हमने एक्सटेंड कर दिया और उसके बाद ये नाइन्टी डिग्री बना कर बी के साथ ज्वाइन किया है और ये बी सी को यहाँ एक्सटेंड कर दिया है और ए के साथ ऑल्टीट्यूड बना है यहाँ सिर्फ ए बी का जो ऑल्टीट्यूड है वो एस से आकर सी को टच करते हुए बाहर निकल आया है और ये जो पॉइंट है जहाँ तीनों ऑल्टीट्यूड्स मिलते हैं उसको कहते हैं ऑर्थोसेंटर ऑप्टीज एंगल का ऑर्थोसेंटर ट्राइंगल से बाहर होता है ऑप्टीज एंगल का ऑर्थोसेंटर जो होता है ऑप्टीज एंगल्ड ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर जो होता है वो हमेशा ट्रायंगल से बाहर होता है नाउ लेट्स सी द ऑल्टीट्यूड ऑफ द अदर ट्रायंगल्स ये जो है ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं वो जो राइट एंगल यहाँ क्यू पे है तो क्यू आर और क्यू पी ये दोनों खुद ही ऑल्टीच्यूड है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं तो क्यू आर इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ पी क्यू एंड पी क्यू इज द ऑल्टीट्यूड ऑन क्यू आर सिर्फ ये जो हाइपोटेन्यूस है राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होता है वो सबसे लंबा साइड होता है इट इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड इट दैट इज कॉल्ड द हाई पोटीन्यूस हाई -पोटेन्यूस से जो ऑल्टीट्यूड बन रहा है वो है क्यू एन जो पी आर के ऊपर परपेंडिकुलर है और ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है एक्यूट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थोसेंटर ये ओ है जहाँ ये तीन ऑल्टीट्यूड्स मिल रहे हैं ये जो रेड से मार्क किए हुए हैं ये ऑल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थोसेंटर है क्यू पॉइंट पे जहाँ राइट एंगल बन रहा है ये दो साइड्स आपस में राइट right एंगल बना रहे हैं ये एक्यूट एंगल का ऑल्टीच्यूड बन रहा है ई e एफ के ऊपर एच डी डी एफ के ऊपर ई e जे और डी ई e के ऊपर जी एफ ये इक्विलैटरल ट्रायंगल भी है इसीलिए इसके जो ऑल्टीट्यूड्स हैं ये इसके मीडियन भी है द थ्री ऑल्टीट्यूड्स मीट एट अ पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ मीटिंग और कॉन्फ्रेंस इज कॉल्ड द ऑर्थोसेंटर यहाँ है एक्यूट एंगल के बीच में राइट right एंगल के जहाँ राइट एंगल बन रहा है वहाँ ऑर्थोसेंटर है और ये जो ऑप्टिवज एंगल है ए बी सी ए बी सी इसका ऑर्थोसेंटर बाहर ये ओ पॉइंट पे बन रहा है इन ऑप्टिवज एंगल ट्राइंगल ऑल्टीच्यूड विल लाई आउटसाइड द ट्राइंगल ये ट्राइंगल बना हुआ है इससे ये लाइन एक्सटेंड करके यहाँ ऑल्टीच्यूड बना है एंड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द ऑल्टीट्यूड्स आर मीडियम्स एंड वाइजावर्स ऑल द मीडियम्स आर ऑल्टीट्यूड्स and altitude is the shortest distance from the vertex to its opposite side. now we will study about the angle sum property of a triangle. this states that sum of all three angles of a triangle is 180 degree. that means if the three angles are put together they form a straight line or a straight angle.

ये एंगल अगर हम प्रूफ कर दें फोर जो है ये एंगल वन और टू से बन रहा है तो ये प्रूफ कर देगा थ्री और फोर मिला के वन एटी डिग्री है तो व थ्री वन और टू तीनों मिलाकर वन एटी डिग्री हो रहा है ये प्रूफ कर देगा या ये एंगल टू है और ये एंगल फाइव है इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया ये एंगल फाइव है हमें प्रूफ करना होगा ये जो एंगल फाइव है ये वन और थ्री के बराबर है दैट मीन्स द एक्सटर्नल एंगल इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द टू ऑपोजिट एंगल्स ये प्रूफ करने के लिए हम इनको कट कर लेते हैं ये वन और टू को हम कट कर लेते हैं और यहाँ प्लेस करके देख लेते हैं फोर पे कि एंगल वन टू और थ्री मिलाकर 180 डिग्री होता है या नहीं सी वी हैव कट वन एंड टू वी हैव कट ऑल द थ्री एंगल्स एंड नाउ इट शोज दैट एंगल थ्री प्लस एंगल टू प्लस एंगल वन इज़ इक्वल टू 180 एटी डिग्री इट इज़ फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन तो इससे पता चलता है कि द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल is equal to 180 degree if you found the video useful like share and subscribe